देश दे विच वधदी हुई महंगाई के खिलाफ अज कांग्रेस का हल्ला बोल है। राहुल गांधी की अगवाई दे विच पार्टी दे वल्लों रामलीला मैदान दे विच वड्डा प्रदर्शन किया जाएगा। रामलीला मैदान दे विच सरकार दी वधदी महंगाई ते अंकुश लगाने लई दबाव बनाया जाएगा। सारे कांग्रेस के वर्कर वड्डे लीडर इत्थे शामिल होणगे। पंजाब कांग्रेस की लीडरशिप भी इस प्रदर्शन दे विच शामिल होगी। दसगे कांग्रेस का कहना है कि लगातार महंगाई वधदी जा रही है, आम लोग खज्जल खुआर हो रहे हैं, उन्होंने परेशानी हो रही है, इसलिए अज का यह अंदोलन महंगाई के खिलाफ होगा ताकि सुत्ती पई केंद्र सरकार नूं दस्या जा सके कि लोग किन्ने परेशान हो रहे ने। पंजाब कांग्रेस दे प्रधान राजा वड़िंग अते वड्डी लीडरशिप भी इत्थे पहुंचेगी, जिथे कांग्रेस दे इस प्रदर्शन दे विच पार्टी दा साथ देणगे। दसगे राजा वड़िंग ने कहा सी कि पंजाब तो 10,000 तो वध कांग्रेसी इस धरने दे विच पहुंचणगे, इस अंदोलन दे विच पहुंचणगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने देश दी अर्थव्यवस्था नूं पूरी तरीके नाल खराब कर दिता है। उन्हां दी नीतियां दे कारण लोकां नूं महंगाई दी मार झेलनी पै रही है। महंगाई नूं लैके मोदी सरकार दे वल्लों कोई भी कदम नहीं चक्या जा रहा, इसलिए अज दिल्ली दे रामलीला मैदान दे विच वड्डी गिनती च कांग्रेस दा प्रदर्शन है। महंगाई दे खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोल करेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल ये 2024 के चुनाव के नजरिए से नहीं रैली कर रहे हैं। आज जनता के सामने जो चुनौतियां हैं, सबसे बड़ी चुनौती महंगाई की है, बेरोजगारी की है, चिंताजनक है। और 5 अगस्त को भी हमने प्रदर्शन किया था, 70 सांसद गिरफ्तार हुए थे, राहुल गांधी जी भी गिरफ्तार हुए थे, हमें 7 घंटे तक किंग्सवे कैंप में बिठाया गया। उसके चलते चलते ये रैली हो रहा है और अलग अलग राज्यों, करीब 12-13 राज्यों से लोग आ रहे हैं और एक ज़बरदस्त और एक प्रभावशाली संदेशा हम भेजना चाहते हैं असंवेदनशील मोदी सरकार को कि कमर तोड़ महंगाई से, बढ़ती हुई बेरोजगारी से जनता बहुत पीड़ित है और इसके लिए कुछ समाधान करना चाहिए। बीजेपी सर ये आरोप लगा रही है कि करप्शन से ध्यान हटाने के लिए आप रैली कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम एक साल से हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। एक साल जयपुर में रैली हुआ था दिसंबर 2021 में, जैसा कि मैंने कहा विजय चौक में 70 सांसद गिरफ्तार हुए थे। पार्लियामेंट संसद के अंदर हमने ये मुद्दे उठाए हैं, संसद के बाहर हम उठा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में हमारा प्रदर्शन हुआ है और ये इसका एक इसी श्रृंखला में ये महंगाई पर हल्ला बोल रैली है। और 7 तारीख को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी और भारत जोड़ो यात्रा में भी सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो आर्थिक विषमता। सर बीजेपी ये कह रही है कि ईडी और सीबीआई का जिस तरीके से शिकंजा कसा हुआ है, पूछताछ हो रही है, उसको लेकर मोदी सरकार तो कहेगी, क्योंकि मोदी सरकार के दो भाई हैं, बेरोजगारी और महंगाई, और मोदी सरकार के दो भाई हैं ईडी और सीबीआई। देश दे विच वधदी हुई महंगाई के खिलाफ अज कांग्रेस का हल्ला बोल है। राहुल गांधी की अगवाई दे विच पार्टी दे वल्लों रामलीला मैदान दे विच वड्डा प्रदर्शन किया जाएगा। रामलीला मैदान दे विच सरकार की वधदी महंगाई ते अंकुश लगाने लई दबाव बनाया जाएगा। सारे कांग्रेस के वर्कर वड्डे लीडर इत्थे शामिल होणगे। पंजाब कांग्रेस की लीडरशिप भी इस प्रदर्शन दे विच शामिल होगी। दसगे कांग्रेस का कहना है कि लगातार महंगाई वधदी जा रही है, आम लोग खज्जल खुआर हो रहे ने, उन्होंने परेशानी हो रही है, इसलिए अज का यह अंदोलन महंगाई के खिलाफ होगा ताकि सुत्ती पई केंद्र सरकार नूं दस्या जा सके कि लोग किन्ने परेशान हो रहे ने। पंजाब कांग्रेस दे प्रधान राजा वड़िंग अते वड्डी लीडरशिप भी इत्थे पहुंचेगी, जिथे कांग्रेस दे इस प्रदर्शन दे विच पार्टी दा साथ देणगे। दसगे राजा वड़िंग ने कहा सी कि पंजाब तो 10,000 तो वध कांग्रेसी इस धरने दे विच पहुंचणगे, इस अंदोलन दे विच पहुंचणगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने देश दी अर्थव्यवस्था नूं पूरी तरीके नाल खराब कर दिता है। उन्हां दी नीतियां दे कारण लोकां नूं महंगाई दी मार झेलनी पै रही है। महंगाई नूं लैके मोदी सरकार दे वल्लों कोई भी कदम नहीं चक्या जा रहा, इसलिए अज दिल्ली दे रामलीला मैदान दे विच वड्डी गिनती च कांग्रेस दा प्रदर्शन है। महंगाई दे खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोल करेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल ये 2024 के चुनाव के नजरिए से नहीं रैली कर रहे हैं। आज जनता के सामने जो चुनौतियां हैं, सबसे बड़ी चुनौती महंगाई की है, बेरोजगारी की है, चिंताजनक है। और 5 अगस्त को भी हमने प्रदर्शन किया था, 70 सांसद गिरफ्तार हुए थे, राहुल गांधी जी भी गिरफ्तार हुए थे, हमें 7 घंटे तक किंग्सवे कैंप में बिठाया गया। उसके चलते चलते ये रैली हो रहा है और अलग अलग राज्यों, करीब 12-13 राज्यों से लोग आ रहे हैं और एक ज़बरदस्त और एक प्रभावशाली संदेशा हम भेजना चाहते हैं असंवेदनशील मोदी सरकार को कि कमर तोड़ महंगाई से, बढ़ती हुई बेरोजगारी से जनता बहुत पीड़ित है और इसके लिए कुछ समाधान करना चाहिए। बीजेपी सर ये आरोप लगा रही है कि करप्शन से ध्यान हटाने के लिए आप रैली कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम एक साल से हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। एक साल जयपुर में रैली हुआ था दिसंबर 2021 में, जैसा कि मैंने कहा विजय चौक में 70 सांसद गिरफ्तार हुए थे। पार्लियामेंट संसद के अंदर हमने ये मुद्दे उठाए हैं,
संसद के बाहर हम उठा रहे हैं, अलग अलग राज्यों में हमारा प्रदर्शन हुआ है, और ये इसका एक इसी श्रृंखला में ये महंगाई पर हल्ला बोल रैली है। और 7 तारीख को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी, और भारत जोड़ो यात्रा में भी सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो आर्थिक विषमता। सर, बीजेपी ये कह रही है कि ईडी और सीबीआई का जिस तरीके से शिकंजा कसा हुआ है, पूछताछ हो रही है, उसको लेकर मोदी सरकार तो कहेगी, क्योंकि मोदी सरकार के दो भाई हैं, बेरोजगारी और महंगाई, और मोदी सरकार के दो भाई हैं ईडी और सीबीआई।